17 अगस्त को छत्तीसगढ़ में रायपुर के इंडोर स्टेडियम में दी जंगल रबल प्रोफेशनल बॉक्सिंग स्पर्धा आयोजित की जाएगी, जिसको लेकर इंडियन बॉक्सिंग काउंसिल के प्रेसिडेंट ब्रिगेडियर मुरलीधर ने एनबी न्यूज के साथ जानकारी साझा की है। छत्तीसगढ़ में होने जा रहे कल के बॉक्सिंग मैच के लिए सभी एक्साइटेड हैं, तो इसी एक्साइटमेंट को और बढ़ाते हुए जो ब्रिगेडियर मुरलीधरन जी हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन बॉक्सिंग काउंसिल के प्रेसिडेंट जो है वो इस वक्त हमारे साथ है पूरी इन्फॉर्मेशन के साथ। सर, ये मैच होने जा रहा है कल, क्या लगता है? नहीं, इट्स गोइंग टू चेंज द सीन ऑफ प्रोफेशनल बॉक्सिंग एस्पेशली इन छत्तीसगढ़। मैं ये देखता हूँ कि यहाँ का युवा जो स्पोर्ट्स पर्सन है, बॉक्सर्स है, दे विल बी मोटिवेटेड मेन एंड वेमेन टू टेक अप प्रोफेशनल बॉक्सिंग। इट्स अ वेरी गुड स्पोर्ट एंड दिस इज ऑल्सो स्टेपिंग स्टोन फॉर विजेंद्र को खुद के लिए भी टू इम्प्रूव हिज करियर परफॉर्मेंस एंड अदर्स। और जो यहाँ का प्रमोटर है, इन्होंने भी प्रॉमिस किया और भी काफ़ी प्रोफेशनल बॉक्सिंग फाइट्स करवाएंगे, जिसकी वजह से यहाँ का छत्तीसगढ़ से भी अच्छे अच्छे बॉक्सर्स पर शामिल करने के लिए हम उम्मीद करते हैं। सर, कुछ जो मेजर प्रॉब्लम्स आती है, क्योंकि ये बॉक्सिंग है, लोगों को ढूंढना वेट के हिसाब से, एज के हिसाब से, ये बहुत मेजर चीज़ें रहती हैं। इन सारी चीज़ों को देखते हुए स्टेट से फिर नेशनल फिर इंटरनेशनल, क्या लगता है हमारे देश का परफॉर्मेंस नेक्स्ट लेवल कैसे रहेगा? नहीं, देखो ऐसे बात है कि प्रोफेशनल बॉक्सिंग इंडिया में सिर्फ 7 साल पहले ही शुरू हुआ, इससे पहले पूरा दुनिया में 100 साल पहले, 40-50 साल पहले से हैं, तो इसीलिए टाइम लग रहा है। बट मुझे उम्मीद है कि अगला 10 साल के अंदर हम ऐसे वर्ल्ड चैम्पियन रहेंगे सीनियर्स में, और इसके अलावा वर्ल्ड रैंकिंग में अगला 5 साल के अंदर ही कम से कम 4-5 बॉक्सर हमारा टॉप 5 में, टॉप 10 में होना चाहिए। तो अभी भी काफ़ी लोग एशियन टाइटल्स जीत रहे हैं, वर्ल्ड यूथ टाइटल भी जीते हैं, तो बहुत उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे अच्छे बॉक्सर्स आएंगे। हमारे पास काबिलियत है, क्वालिटी है, सब कुछ है। अमेचर में बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस है, मैं खुद अमेचर में 35 साल था तो मुझे मालूम है। हमारा वर्ल्ड चैम्पियनशिप मेडलिस्ट हैं मेन और वीमेन, खासतौर पर वीमेन में। हमारा अगर वीमेन, टॉप वीमेन जो अमेचर बॉक्सर्स कन्वर्ट करेंगे प्रोफेशनल में, वो सीधा ही आके वर्ल्ड चैम्पियनशिप मतलब प्रोफेशनल बॉक्सिंग जीत सकते हैं। जैसे केटी टेलर करके आयरलैंड की लड़की है, वो 3 वर्ल्ड ओलंपिक जीती थी, वो जीतने के बाद वो प्रोफेशनल टर्न कर लिया, उसने सभी वर्ल्ड चैम्पियनशिप टाइटल्स जीते हैं, सब बेल्ट उनके पास हैं, और शी इज़ अर्निंग इन मिलियंस। तो वो चीज़ हमारे बॉक्सर्स भी कर सकते हैं, हमारे जो नेशनल चैम्पियंस हैं अमेचर में हैं, अगर वो भी इसमें आ जाएंगे, वो सीधा जाके बहुत परफॉर्मेंस अच्छा हो सकता है। तो हम उम्मीद करते हैं आने वाले दिनों जो अमेचर के जो चैम्पियंस हैं वो भी आ जाएंगे प्रोफेशनल। लंबा समय हो गया है आपको फील्ड में, आप बॉक्सिंग कह लीजिए या उसके पहले की कह लीजिए, आपकी सर्विस भी इसी तरह की है, तो लेकिन जो स्टार्टिंग इनिशियल लेवल पे है, जो अपने आप को इस फील्ड में लाना चाहते हैं, बॉक्सिंग की फील्ड में लाना चाहते हैं, ऐसे स्टूडेंट्स को, ऐसे लोगों को आप क्या बोलेंगे? मैं ये इतना ही बोलना चाहता हूँ कि पेशेंस रखिए, प्रैक्टिस करें, और आप देखेंगे अगर अमेचर लेवल में 2000 में जब हम लोग एशियन गेम्स में 0 मेडल थे, और 2004 एशियन गेम्स में एक वी नो बुसान में भी वी डिड नॉट गेट सॉरी 2006 दोहा में 1 मिला, लेकिन 2010 जब गुआंगझो में हमको 9 मिला और चाइना के बराबर हो गए, मतलब उस 10 साल में फ्रॉम 2004-2001 के बाद जो है, जबकि मतलब लोग बॉक्सिंग के बारे में जानते नहीं थे, वो सभी वो 4-5 साल में मैरी कॉम को जाने लगे, विजेंद्र को जाने लगे, सरिता देवी, होल लॉट ऑफ बॉक्सर्स को जाने दें। तो मतलब टाइम लगता है, तो पेशेंस चाहिए और हार्डवर्क चाहिए। तो अभी जो पीढ़ी जो भी है, अभी से आप ट्रेनिंग करेंगे 4-5 साल तो आपको लगना ही है, तब बनेंगे चैंपियंस एट डिफरेंट लेवल। लेकिन पेशेंस रख के हार्डवर्क करेंगे तो नॉट ओनली नेशनल चैंपियंस, एशियन लेवल और वर्ल्ड चैंपियनशिप भी जीत सकते हैं। तो पेशेंस रख के अगर आप अपनी प्रैक्टिस पे ध्यान देंगे तो ना केवल नेशनल लेवल, एशियन लेवल, आप वर्ल्ड चैंपियन भी बन सकते हैं। ये कहना था ब्रिगेडियर मुरलीधरन सर का। तो कैमरा पर्सन टिकेश्वर के साथ रायपुर से ANB न्यूज़ के लिए स्वाति कौशिक।